ओके पत्तो जैसी फीलिंग आ रही है. 1 2 3 फक तो इस व्लॉग में मुझे अपडेट देनी थी अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ राइट नाउ. हाँ अब कॉलेज पहुंच गए, वी कैन टॉक नाउ. मुझे ट्रैफिक की टेंशन होती है, सारी टेंशन ट्रैफिक की होती है, तो अब कॉलेज पहुंच गया, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं. और बार बार शेड इसलिए आ गया क्योंकि मैं पार्किंग लॉट में बैठा हूँ और ये एक और गाड़ी गई. बट दिस इज़ द बेस्ट लाइट एंगल आई कैन फाइंड इन माई कार राइट नाउ. और ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आधी बॉडी कट गई है? वो कटी नहीं है, डर मत जाना. खैर कमिंग बैक टू द डेली अपडेट, बहुत सारे लोग आर वरीड कि भाई सेठ साहब अब कंसिस्टेंट नहीं है पिछले कुछ हफ्तों से. दैट्स रॉन्ग, आई एम कंसिस्टेंट. लेकिन एक और गाड़ी, आई एम कंसिस्टेंट. मेरे लिए कंसिस्टेंसी हफ्ते में 3 व्लॉग्स बनाना है और मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से 3 ही व्लॉग्स रिलीज कर रहा हूँ. लेकिन पहले मैं हफ्ते में हर दूसरे दिन व्लॉग रिलीज करता था, अब मैं 3 दिन छोड़ के 3 दिन एक साथ व्लॉग रिलीज कर रहा हूँ, या 4 दिन छोड़ के 3 दिन एक साथ व्लॉग रिलीज कर रहा हूँ. एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. और वो रीजन ये है कि मेरे कॉलेज के सेमेस्टर में अब आखिरी 4 हफ्ते रह गए और आखिरी के 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. यही 4 हफ्ते या तो आपके ग्रेड्स को ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं. दैट इज ऑल आई एम वरीड अबाउट राइट नाउ. तो उस वजह से मैं हर दूसरे दिन व्लॉग नहीं बना रहा, मैं फ्राइडे सैटरडे संडे या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे व्लॉग बना के उसी दिन रिलीज कर देता हूँ. तो ऐसा लगेगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी है अभी नॉट येट. फिर yesterday I got rid of Twitter from my phone and one of the main reasons was that Twitter पे मैं जब भी जाता था बहुत ही ज़्यादा मुझे negativity, hatred नज़र आता था. ये मैं मैंने Instagram पे भी की थी, मुझे किसी ने hatred नहीं दिया ना ही किसी ने मुझे negativity pass on की है. मसला ये था जब भी मैं Twitter use करके वापस बाहर निकलता था Twitter से, अजीब depressive mood होता था मेरा. तो I got rid of Twitter from my phone क्योंकि I personally believe कि जिस चीज़ से आप अपने आप को सराउंड करते हो आपका मूड भी उसी तरीके से रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेगेटिविटी और हेट्रेड के साथ सराउंडेड रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आपको हर वक्त नेगेटिविटी नज़र आएगी और हर वक्त हेट्रेड पे ही आपका दिमाग जाएगा. तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो, इस वजह से आई गॉट रिड ऑफ ट्विटर फ्रॉम माई फ़ोन. डिस्क्रिप्शन में भी शायद आपको नज़र ना आए ट्विटर की लिंक, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव पॉजिटिविटी इज़ ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिविटी. तो जब भी मुझे पिज़्ज़ा खाने का दिल चाहता है मैं यहाँ आ जाता हूँ. कॉलेज के सामने एक है ग्रे ब्लॉक पिज़्ज़ा, तो दैट्स वेयर आई ईट माय पिज़्ज़ा मोस्ट ऑफ द टाइम. तीसरी चीज़, मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम इज 6 hours and 24 minutes. सुनने में तो ये शायद बहुत ज़्यादा लगे 6 hours and 24 minutes, लेकिन ये पहले 10 घंटे भी जा चुका था. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मेरी इम्प्रूवमेंट है और मैं चाहता हूँ और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो. माई गोल नाउ इज़ टू ब्रिंग इट डाउन टू 5 hours. अच्छा, बहुत अच्छा. लेट्स सी, अगर हो सकता है होगा, नहीं हो सकता है ना होगा. बाकी आई हैव फाइनली फिनिश दिस बुक मैडम बोवरी. मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि जिस तरह मैंने ओथेलो के बारे में किया था, इसके भी मैं थोड़ी डिटेल स्टोरी बता दूं. मैं ज़्यादा इसकी स्टोरी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हेट दिस नॉवल, बहुत तंग किया यार इस नॉवल ने. और सेकंड, ये नॉवल शायद थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है. मैं बता देता हूँ, एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ. तो बेसिकली इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, एक एमा और एक चार्ल्स. चार्ल्स को इसमें बताया एक बड़ा बोंगा सा बच्चा होता है जो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है. और डॉक्टर भी मतलब कोई बहुत प्रेस्टीजियस डॉक्टर नहीं बनता, ऐसी नॉर्मल सी प्रैक्टिस करता रहता है. फिर उसकी शादी होती है एमा से. एमा को लगता है कि चार्ल्स इज गुड फॉर हर, लेकिन शी डजंट नो कि वो बोंगा है. तो वो बोंगा निकलता है और फिर एमा बेसिकली रियलाइजेस दैट चार्ल्स इज नॉट द राइट वन फॉर हर. तो वो फिर 2 अलग लोगों के साथ उसका अफेयर होता है एंड देन शी किल्स हरसेल्फ. मैं फेंक रहा हूं. अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूं. अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है. नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूं. नहीं नहीं नहीं, चल ए यकीन नहीं है ना, चल साइकिल घुमा, चल जी. That's the most brief story that I can make up. इसमें और भी बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन if you're interested, you can go read it online. E-book available है भाई. इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता. और यार दुआ करना, मैंने इसके ऊपर 8 पेजेस का ऐसे लिखा है और एक हफ्ते तक इस नॉवल का टॉर्चर सहा है पढ़ पढ़ के. तो अल्लाह करे कि उसमें मुझे अच्छा ग्रेड मिले. आमीन.
dream of you every night. Dream of you every. Aur phir aakhri cheez, I have been working on Discover series episode 7, 8, 9. Aur that's a good news by the way. But the bad news is, ho sakta hai ki Discover series 7, 8, 9 ek mahine tak na aaye. Maine apne aap ko 20 May ki deadline di hai. Jo main bolta hoon, wo main karta hoon. Ho sakta hai usse pehle aa jaye, lekin inshaAllah 20 May tak uska teaser to aa hi jayega. तो ये फूल है मुझे ऑर्गेनिक लर्निंग गार्डन में ओरिएंटेशन में दिया था. कहा था कि इसको आप खा सकते हो. ये दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्लावर्स जिसको आप खा भी सकते हो. और वो मतलब एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए मैं गया था. एंड शी सेड कि ये स्पाइसी होगा जब आप खाओगे तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस. खा के देखते हैं. ओके पत्तों जैसी फीलिंग आ रही है. इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल. ओके वो एक्चुअली काफ़ी स्पाइसी था. जो स्पाइसीनेस थी इट एक्चुअली किक्ड इन प्रीटी लेट एंड पूरा मेरा गला. खैर आज का मैसेज बीइंग काइंड प्रोजेक्ट का ये है टू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव एवरीथिंग एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी. एंड ओनली इफ यू वॉन्ट यू कैन सब्सक्राइब इफ़ अगर यहाँ बटन आता है. इफ नॉट पे पूरे चैनल पर कहीं ना कहीं होगा. एंड यू कैन फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड ऑन डेली स्टफ. खुदा हाफिज़.